हेलो एस्पेरेंट्स कैसे हो सब बढ़िया आज अपन पढ़ने वाले हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये अपनी बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है ठीक है और जो इस वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है सारी एनसीआरटी की लाइन कवर रहेंगी सारे कॉन्सेप्ट के अंदर कवर रहेंगे तो ध्यान से सुनना ठीक है मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो फील हो रही होगी तो ध्यान से सुनना चलो सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है आर एन ए डीएनए सब सुन रखा अपन ने तो डी फुल फॉर्म क्या है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड आर एन ए की फॉर्म क्या है राइबोस न्यूक्लिक एसिड दोनों के अंदर एक चीज को मन आ रही है क्या आ रही है न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड डीएनए में में भी आ रहा है, आ में भी आ आ रहा रहा है है तो पहले यही समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पोलियमर क्या होता है बहुलगन क्या क्या होता है बहुलगन ठीक है मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुलन है तो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हुए हैं एक न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड तीन न्यूक्लियोटाइड ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं वो सारे मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनाते हैं ठीक है अब वो डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है ठीक है वो अलग चीज है अब बात करें न्यूक्लियोटाइड जो है इसको थोड़ा समझ समझना इस न्यूक्लियोटाइड के, के अंदर क्या क्या अपने समझिए समझ लिया कि भाई एसिड है इसके अंदर क्या क्या माल मसाला है इसके अंदर भैया ऐसा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है उसको अपने क्या बोल दिया न्यूक्लियोटाइड बोल दिया लेकिन अब न्यूक्लियोटाइड है इसमें कौन कौन सा माल मसाला उसकी बात कर लें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड होता है और फोस्फेट होता है क्या क्या होता है न्यूक्लियोसाइड होता है और एक फोस्फेट होता है आगे बात समझ में फोस्फेट क्या होता है फोसफेट ग्रुप होगा बात क्लियर है लेकिन भैया ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है तो पहली बार सुना हमने तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस होता है एक ठीक है प्लस

न्यूक्लियोसाइड क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस आपकी सुगर ये क्या बनाती है आपकी बन जाएगी. बात है? ठीक. चलो अब बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस क्या क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजनस जो बेसिस है वो दो प्रकार के होते हैं प्यूरिन से पिरािडीन प्यूरिन और पिरामिडीन दो प्रकार के क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेस होते हैं पहला क्या है प्यूरिन और ग्वानिन प्यूरिन और एच जी के अंदर आएगा है एजी किसके अंदर आएगा प्यूरिन के अंदर ठीक है और पीरिमिडिन के अंदर क्या आएगा सी यू टी क्या आएगा सी यू टी ठीक है यह बात आपको क्लियर हो गई कि भाई प्यूरिन के अंदर कौन आता है एडेनिन और ग्वानिन ठीक है और जो आपका इसके अंदर साइटोसिन यूरेसिल थायमिन ठीक है यह या आपको याद रखने हैं इंस्टीट्यूशन बनते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट पर चलते हैं अपन डीएनए और आरएनए की बात करते हैं डीएनए के अंदर फर्क क्या देखो डी ऑक्सी एसिड न्यूक्लिक एसिड वही है ठीक है आरएनए के अंदर न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड तो सेम दोनों के अंदर न्यूक्लिक एसिड तो सेम सेम है है डिफरेंस क्या आ रहा शुगर के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है शुगर के अंदर आ रहा है यहां पर कौन सी, है? कौन सी शुगर है डी ऑक्सी राइबोज है कौन सी शुगर है डी ऑक्सी राइबोज है किसके अंदर डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर है राइबोज है यहां पर डी ऑक्सी राइबोज है यहां पर राइबोज है ठीक है डीएनए के अंदर कौन कौन देखने को मिलेगा आपको कौन सी कौन से पीरिडीन पीरिडीन और प्यूरिन कौन कौन सी क्लेम लेंगी ए टी जी सी ठीक है ए जो है ना ए वाली जो प्यूरिन वो किसके साथ में जुड़ेगी वो जुड़ेगी वही टी के साथ में ए हमेशा टी के साथ में जुड़ेगी जी हमेशा सी के साथ में जुड़ेगी ये अपने दिमाग में बैठा लो ए टी जी सी याद रखो ए जो है वो टी के साथ में जुड़ती है जी और वो सी के साथ में जुड़ती है ठीक राइबोस की बात करें तो इसके अंदर कौन सी शुगर राइबोस शुगर है और इसके अंदर क्या है

ठीक है किसने दिया वसन और क्रिक ने दिया था ठीक है स्टडीड डीएनए विद एक्सरे स्टडी किसने की एक्सरे एक्सरे की एक की 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 मदद से से हेल्प डीएनए जो है स्टडी किसने वो की विल्किसन और फ्रैंकलिन ने ठीक है डीएनए इज एसिडिक इन नेचर डीएनए जो है ना वो एसिडिक होता है नेचर नेचर में कैसा होता है एसिडिक होता है और डीएनए जो है वो कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज भी होता है और ये मैं नेगेटिवली चार्ज होता है पहले ही बता चुका हूं तो मैंने बायो के लेक्चर पढ़ा रहा था ट्वेल्थ क्लास वाले तब भी मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और अभी मैंने वन वनशो लेक्चर लिया था उसका पूरा पूरी बायोलॉजी का तब भी मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है नेगेटिवली होता है कैसा होता? नेगेटिवली होता है चलो अब बात करते हैं किसकी आ, बात करते हैं

ठीक है और ये आपके बेस हैं ही, है तो ये ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं अब आप बोलोगे भैया ये दो बॉन्ड लगा रखे हैं आपने टी और ए के बीच में जी और सी के बीच में जो बॉन्ड लगा रखे हैं ये क्या चीज है ये भाई बॉन्ड नहीं है ये इनको आप बॉन्ड नहीं है पूरी तरह बॉन्ड नहीं है ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन जो है बॉन्ड जो है वो बॉन्ड नहीं होता इसलिए मान लो आप हाइड्रोजन बॉन्ड है आपको पूछे कि दो क्या है ये डबल बॉन्ड है ना जी दो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है क्यूचन आपको दे देगा कि ए और टी के बीच में ठीक है डबल बॉन्ड लगे हुए हैं डबल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं ठीक है एक ऑप्शन ये दे देगा या फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं एक ऑप्शन यहां यह, यह दे देगा आप जल्दीबाजी में टिक करोगे कि भैया डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यह डबल बॉन्ड नहीं है यह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है क्वेश्चन आ जाए तो डबल हाइड्रोजन बोड पर ठीक टिक मारना है आपको ठीक है

अब ये क्या है आपकी बुक के अंदर है डीएनए का स्ट्रक्चर तो दे रखा है इसको ध्यान से देखो देखो ये एक टर्न हो गया यहां से लेकर यहां तक एक बार घूम गया ना पूरा देखो इसको ध्यान से देखो यहां पर ऐसा है फिर एसा, एसा, इस जैसा कहां पर कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है ठीक है तो एक बार में इतना घूम गया मतलब एक टर्न ले गए पूरा एक 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 घूम घूम बार गया पूरा टर्न हो गया तो एक टर्न की क्या बोल、क्या बताइए अपन को कि एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर है दस पेयर है एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर है दस पेयर है दस पेयर है देखो ये एक घुमावदार एक बार आया ना ये जो वाला जो स्ट्रक्चर मान लो ये मेरा हाथ है ना ये मैं घुमा रहा हूँ 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 और जब पूरा घूम जाएगा ना ठीक है ठीक है वो अपन उसकी बात कर रहे हैं एक बार पूरे घूमने को इस एक बार पूरे घूमने में कितने पेज पैर है दस है देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस बेस्पेयर हो गए ठीक है दस बेस्पेयर हैं और ये देखो दस पेयर है एक बेस पेयर के अंदर दो बेस पेयर के बीच में कितनी जगह होती कि है दस एक टर्न के बीच में कितनी जगह पॉइंट फोर एंगे स्ट्रॉग कितनी है जी थ्री पॉइंट फोर एंगे स्ट्रॉग इनके बीच में कितनी जगह होती है डिस्टेंस कितनी है थ्री पॉइंट फोर एंगे स्ट्रॉग तो मैं बोलूं कि एक दो के बीच में कितनी होती है थ्री पॉइंट फोर तो दस के बीच कितनी होगी तो वही कर दो भाई

ये जो 34 एंगस्ट्रॉम है ना इसकी जगह लिख देना 3.4 नैनोमीटर लिख देना ठीक है अब ये पूछ रहा है देखो ये जो है ना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है यहां पर ये दोनों है जो दो है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है तो आपको दी दे रखी है 20 एंगस्ट्रॉम कितनी दे रखी है 20 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखी है तो एग्जाम में अगर आपको पूछ ले नैनोमीटर पूछ ले तो

जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पीरिमिडिन होंगे अब बोलोगे भैया ये कैसे ये ऐसे इसलिए क्योंकि ए जो है वो टी के साथ में जुड़ेगा अब जितने ए होंगे उतने टी रखने ही पड़ेंगे ठीक है ऐसा अकेला ए नहीं रहेगा जितने ए होंगे उतने टी आपको रखने पड़ेंगे तो हो गए ना प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पीरिमिडिन होंगे वैसे ही जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे क्योंकि जी है वो सी के साथ में ही जुड़ेगा अगर जी साथ है तो सी भी साथ ही होंगे तो जो है चारगो फूल ये कहता है कि भाई जितने प्यूरिन प्यूरिन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे

ये देखो भाई डीएनए क्या होता है आपका ये ऐसा ऐसा डीएनए है ऐसा ऐसा क्या है आपका डीएनए है जैसे ही मैंने इसको हीट दी जैसे ही मैंने इसको क्या दी हीट दी हीट दी तो क्या होगा तो क्या होगा बीच में हो कोई बॉन्ड थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है बीच में कोई खास कोई बढ़िया बॉन्ड थोड़ी ना लगा रखा था हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ज्यादा स्टेबल है नहीं कोई ज्यादा मजबूत बॉन्ड है नहीं तो क्या होगा जैसे ही मैं थोड़ी हीट लगाऊंगा जैसे ही मैं थोड़ी हीट लगाऊंगा तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये आपस में टूट जाएंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपस में टूट जाएंगे और ये जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था ये जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था आपस में टूटकर अलग अलग हो जाएगा यही क्या होता है डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए वापस बोल रहा हूं ऊपर मत जाना समझो ध्यान से ऑफ डीएनए क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सब जानते हो अगर मैं उसको थोड़ी सी हीट दू तो क्या होगा उनके बीच में जो हाइड्रोजन बोंड बने हुए हैं ठीक है हाइड्रोजन बोड बने हुए वो क्या होंगे ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे तो ये दोनों स्टैंड क्या है अलग अलग हो जाएंगे यही क्या होता है आपका डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए ठीक है डीएनए खराब हो गया ठीक है अब स्टोन की बात कर लें स्टोन प्रोटीन जो है वह कैसी होती है? होती है पॉजिटिवली स्टोन एक प्रोटीन होती है और वो कैसी होती है? होती है है पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव चार्ज है उस पर ठीक है और डीएनए का तो अपन को पता है ना कैसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है स्टोन कैसी है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए कैसा है नेगेटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ठीक बात है अब देखो अब देखो अब देखो ये स्टोन जो है ना स्टोन जो है इसकी कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो देखो एक होती है एच वन प्रोटीन होती है स्टोन में एक होती है एच वन प्रोटीन एक होती है एच थ्री बी प्रोटीन एक होती है एच थ्री एक होती है एच थ्री फोर ये पांच क्या है प्रोटीन है किसके किस अंदर स्टोन के अंदर ठीक है अब मैंने लिख रखा है कि जो एच वन होती है ना वो क्या होती है लिंकर होती है मतलब जोड़ने का काम करेगी क्या होती है लिंकर होती है जोड़ने का काम करेगी अब एक एक सब सुना सुना आपने सुना होगा स्टोन स्टोन क्या सुना सुना होगा होगा नाम आपने ठीक है ये पहली वाली का काम तो मैंने बता दिया कि एच वन क्या है लिंकर है लेकिन आगे वाली जो है एच टू एच बी एच थ्री बी एच थ्री एच फोर यह क्या चीज है भाई ये क्या चीज है ये क्या है एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार हाँ चार है ठीक है ये चार प्रोटीन है इनको क्या कुरूंगा? मैं इन तू, तू कर दू इंटू इनको। इनको। इनको टू कर दू तो कितनी हो जाएंगी आठ हो जाएंगी ना आठ हो जाएंगी तो नाम से पता लगा स्टोन ओक्टामर स्टोन ओक्टामर में कितनी होंगी स्टोन कितनी होंगी आठ होंगी स्टोन ऑक्टाम में कितनी होंगी आठ स्टोन होंगी ठीक है अब देखो डायग्राम को ध्यान से ये जो ग्रीन कलर में गोल गोल है ना ये जो ग्रीन कलर में गोल गोल दिख रहा है आपको ये क्या है स्टोन है क्या है स्टोन है 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 ये पूरा क्या स्टोन ठीक है।, है और साइड में ये जो जा रही है ना ये जो जा रही है साइड में ये जो जा रही है जो इसके लपेटे हुए है साइड में इसकी जो लिपटी हुई है सांप की तरह ये जो साइड में लिपटी हुई है ये क्या चीज है ये अपना डीएनए है ऐसे के लिपटा हुआ क्यों है क्योंकि स्टोन ऑक्टामर जो है वो कैसी है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये कैसा है नेगेटिवली चार्ज्ड उसके क्या है लिपट जाएगा पूरा लिपट जाएगा डीएनए क्या है इसके चारों तरफ लिपट जाएगा आप बोल रहे होगी भैया क्या हमें समझ में आ गया डीएनए नेगेटिवली चार्ज है स्टोन ऑक्टामर इसलिए बन गया क्योंकि वो चार प्रोटीन थी स्टोन की इनको हमने इन किया तो वो क्या, तो क्या। स्टोन ऑक्टामर बन गया अब डीएनए उसके चारों तरफ इसलिए लिपट रहा है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और स्टोन क्या पॉजिटिवली चार्ज यहां तक तो हमें समझ में आ गया लेकिन आपने ये कहा था कि एच वन जो है स्टोन प्रोटीन वो क्या है लिंकर है उसका यूज कहाँ पर आया उसका यूज यहाँ पर आया ये जो है ना ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये जो ग्रीन कलर वाला ये क्या है इस डीएनए को नीचे वाले इस डीएनए को दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है दोनों को आपस में लिंक, कर लिंक करने का काम कर रहा है यह ध्यान से देखो जो ग्रीन कलर वाली है ना ये ग्रीन कलर वाली एच वन स्टोन ठीक है ग्रीन कलर वाली जाइए क्या एच वन स्टोन है ठीक है ये जो ऊपर वाला जो डीएनए है इस नीचे वाले को दोनों को आपस में लिंक करने का काम कर रहा है इसलिए क्या बोले इसको लिंकर प्रोटीन इसको कहा कह दिया तो अब समझ में आ गया आपको स्टोन ओक्टाम क्या होता है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है कुछ नहीं है बहुत है एच वन सब आप क्या होता, होता है, सब ठीक है इन तीन चीजों को पर मिला देंगे तो न्यूक्लियोसोम बन जाएगा न्यूक्लियोसोम क्या है एच वन ठीक है एच वन प्रोटीन ठीक है स्टोन ऑक्टामर और दो सो बेस्पेयर डीएनए के इन सबको मिला देंगे तो अपन क्या मिल जाएगा न्यूक्लियोसोम मिल जाएगा अब एक चीज देखो यहां से

अब मैं क्या बोलता हूं अगर ऐसे छह न्यूक्लियर सोम हो ऐसे छह न्यूक्लियोसोम हो तो छह न्यूक्लियोसोम को क्या बोलेंगे अपन सोलेनोइड बोलेंगे क्या बोलेंगे सोलेनोइड बोलेंगे अब जो बहुत सारे सोलेनोइड होंगे तो वो क्या बनाएंगे क्रोमेटिड बनाएंगे और दो क्रोमेटिड जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं हैं क्रोमोसोम बनाती ध्यान ध्यान में से समझना कि भाई छह न्यूक्लियोसोम क्या बनाते हैं सोलेनोइड और बहुत सारे सोलेनोइड मिलकर क्या बनाते हैं दो क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बनाती हैं क्रोमोसोम बनाती हैं अब एक टर्म आती है यूरोक्रोमेटिन एक आती है

लपेट रखा है उनको बढ़िया तरीके से एक जगह पर उनको कर रखा है, तो वो कहा है क्या बोलेंगे? की बात करेंगे, कुछ भी नहीं है ध्यान से सुनो एनसीआर अपने साथ में लेकर बैठे रहना ठीक है टर्म्स जहां समझ में नहीं आ रही वहां देख लेना ठीक है लेकिन ध्यान से सुना ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है ये दिया किसने सबसे पहले तो फ्रेडरिक ग्रीफिथ ने यह दिया था किसने दिया फ्रेडरिक ग्रीफिथ ने यह दिया था इन्होंने क्या किया इन्होंने काम किस पर किया स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई इन्होंने काम किस पर किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई पर इन्होंने इन्होंने काम किया और क्या किया इन्होंने एक तो स्मूथ कॉलोनी बनाई एक रफ कॉलोनी बनाई स्मूथ कॉलोनी बनाई और एक बनाई क्या रफ कॉलोनी स्मूथ कॉलोनी का मतलब क्या है इसमें म्यूकस की कोट रहेगी ये आपकी क्या है स्ट्रेप्टोकोकस है और इस पर क्या चलो था क्या है म्यूकस की क्या है कोट लगी हुई है

स्मूथ वाले से स्मूथ वाले से उसने इंजेक्शन भरा और चूहे में ठोका और जो चूहा है वो मर गया ठीक है दूसरी बार उसने क्या किया जो रफ वाला था जो रफ वाला था था जो रफ कॉलोनी वाला था इससे क्या है इंजेक्शन भरा चूहे के अंदर ठोका चूहा क्या जिंदा रहा स्मूथ वाले के अंदर मर गया ठीक है अब अपन ये देखना चाह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मतलब बता आपको मैं क्यों कर रहे हैं इसलिए क्या रहे है कि पता लगाना चाह रहे हैं कि डीएनए ठीक है जो ट्रांसफॉर्म जो जेनेटिक मटीरियल जो अनुंशिक जो पदार्थ है वो डीएनए है कि आर प्रोटीन है इन तीनों में से अपन को पता लगाना है कि भाई कौन सा है अपना जो पदार्थ है है वो डीएनए या अनुवां प्रोटीन है वो पता लगाने की कोशिश कर आ रही है पर सबसे पहले क्या स्मूद वाला लिया उससे इंजेक्शन भरा किस और चूहे के लगा दिया तो मर गया दूसरी बार रफ वाला लिया और उसके चूहे इंजेक्शन लगाया तो चूहा जो है वो जीवित रहा चूहे फर्क नहीं पड़ा तो यहां से एक चीज अपन को पता लग गई कि भैया एस वाला जो है ना एस वाला जो है इसी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है

ऐस स्ट्रेंथ था ठीक है उसको अपने हीट दी थोड़ी सी हीट दे दी ठीक है और उसको कमजोर कर दिया अपन ने स्ट्रेंथ हो जा उसको मार दिया उसको कमजोर कर दिया उसके बाद में अपन ने चूहे के अंदर इंजेक्शन लगाया ठीक है इंजेक्शन लगाया हीट दी ठीक है तो क्या हुआ चूहा जो है वो जीवित रहा चूहा जो है वो जीवित रहा तो आपने सोचा यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ पहली बार जब किया अपन ने एस जब जो एस जो स्ट्रेन वाला था जो स्मूथ वाला था वो तो मर गया ठीक है जब अपन ने एस वाला जब इंजेक्ट किया तब वो मर गया था चूहा रफ वाले से भी जीवित रहा और एस, एस वाले को अपन ने हीट लगा दी थोड़ी सी तो वो जीवित रहा ये क्या सिस्टम है तो फिर अपन ने दिमाग लगाया अपन ने ये दिमाग लगाया कि भाई एक एस जो है ना एस जो है उसको हीट हीट किल किया मैंने देकर उसको मार रखा है एस वाले को और रफ वाला जो है वो जिंदा है ठीक है दोनों को मिक्स किया एस और आर को दोनों को मिक्स किया और उसके बाद में दोनों को मिक्स करके और फिर इंजेक्शन लगाया तो अपन क्या को देखने के लिए मिला अपन को क्या देखने के लिए मिला कि जो चूहा था वो क्या हो गया मर गया अब ये क्यों मर गया क्योंकि यहां पर देखो जब मैंने अकेला हीट किल्ड ले रखा था ना इस एस इस एस को अपन ने जब अकेले को हीट किल्ड ले रखा था तब वो जीवित रहा था चूहा ठीक है लेकिन और जब आर को अपन अकेले को ले रहे थे तब भी वो जीवित रहा था लेकिन जब दोनों को साथ में लिया ना तब क्या हुआ चूहा जो है वो मर गया रीजन क्या है रीजन ये लगा कि भाई जो एस वाला है ना जो मरा हुआ है जो एस है ठीक है उसमें से कुछ ऐसी चीज जो है ना कुछ तो ऐसी चीज ट्रांसफर हुई है आर आर वाले वाले के अंदर एस वाला अकेला तो मरा हुआ था, तो मरा मरा हुआ हुआ था था खुद लेकिन इस में से कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर हुई है ठीक आर वाले में ट्रांसफर हुई है और इस आर वाले ने क्या कर दिया चूहे को क्या है मार दिया अब वो क्या चीज ट्रांसफर हुई है ये अपन को पता लगाना है ये अपन को पता लगाना है जो भी चीज ट्रांसफर हुई है वही क्या है जेनेटिक मेटेरियल है ठीक है

ठीक है फिर अगले में क्या किया अपन ने ठीक है प्रोटीन को भी प्रोटीन को मार दिया प्रोटीन से ठीक है और आर को मार दिया आरएनएच से ठीक है आर भी मर गया प्रोटीन भी मर गया अब जो आगे है ठीक है प्रोटीन मैंने प्रोटीन को रखा वैसा का वैसा और आर को मैंने मार दिया आरएनएच से तो जो है यहां पर क्या है देखने के लिए मिला मेरे को प्रोटीन और डीएनए देखने के लिए मिला प्रोटीन का तो पहले अपन को पता लगा था कि ये जेनेटिक मेटेरियल नहीं है ठीक है

हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट है क्या बोलते हैं वो ये लोग क्या बोलते हैं भाई देखो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर क्या प्रोटीन भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है प्रोटीन जो है ठीक है प्रोटीन के अंदर आपको सबको पता है क्या होता है सल्फर होता है क्या होता है प्रोटीन के प्रोटीन जो है उसके अंदर सल्फर की मात्रा होती है ठीक है और डीएनए जो है डीएनए जो है उसके अंदर

सल्फर ले लिया क्या ले लिया सल्फर ठीक है देखो प्रोटीन के अपन मुझे पता लगा कि भी प्रोटीन के अंदर क्या है सल्फर होता है और जेनेटिक मटेरियल जो अपना डीएनए उसके अंदर क्या फोस्फोरस होता है तो अपन ने एक रेडियक्टिव क्या लगा दिया लगा दिया एक के अपन ने तो रेडियक्टिव सल्फर लगा दिया ठीक है फिर क्या हुआ इन्फेक्ट कराने इसको छोड़ दे, इस भाई, इसको भाई कर इस बैक्टीरिया को क्या कर तू इन्फेक्ट कर इन्होंने इन्फेक्शन किया किया इन्फेक्शन तो क्या देखा गया अपन ने तो अपने क्या देखा यहां से ब्लेंडिंग हुई ब्लेंडिंग हुई और ये जो है ये जो है अपना जो बैक्टीरिया स लगाया था ना तो जिसके अंदर अपन ने फोस्फोरस लगाया था उसके अंदर फोस्फोरस देखने के लिए मिला रेडियो एक्टिव पी थर्टी टू डिटेक्टेड इन सेल्स वो डिटेक्ट हुआ कोशिकाओं के अंदर डिटेक्ट हुआ लेकिन जिसके अंदर अपन ने सल्फर लगाया था ना वहां पर

फिर बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृति की बात करते हैं क्या होती है प्रतिकृति उसकी बात कर लेते हैं देखो तो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वोर्सन और क्रिक

इस डायग्राम को देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा है इसने क्या किया ये लिया डीएनए ये क्या लिया इन्होंने डीएनए लिया और ये डीएनए पर क्या लगा रखा है इसमें जो नाइट्रोजन है उस पर क्या लगा रखा है एन फिफ्टीन ले रखा है कौन सा आइसोटोप ले रखा है एन फिफ्टीन आइसोटोप ले रखा है ठीक है एक तो ले लिया इन्होंने डीएनए अब जिस प्लेट के अंदर जिस मीडियम के अंदर इस डीएनए को रखा जाएगा ठीक है ये तो अपना क्या रहेगा डीएनए यहां पर अपना जो मीडियम रहेगा जो प्लेट रहेगा जो मीडियम रहेगा जिसके अंदर इस डीएनए को रखा जाएगा वो मीडियम कैसा है वो मीडियम कैसा है एन फोर्टीन कैसा है एन फोर्टीन देखो डीएनए के अंदर एन फिफ्टीन है नहीं ठीक है है आइसोटोप और जिस मीडियम के अंदर एन फोर्टीन है? है।, है वो कैसा है एन फोर्टीन है ठीक है जी अब इस डीएनए को मैं मैंने रख दिया किसमें एन फोर्टीन वाले के अंदर रख दिया और बीस मिनट तक मैंने वेट किया तो मेरे को क्या मिला मेरे को क्या मिला मेरे को यह मिला कि भाई हाइब्रिड बन गए किसके बन गए हाइब्रिड कैसे बन गए देखो ये क्या था ए, हरे वाला है वो कैसा है? एन फोर्टीन है हरे वाला कैसा कैसे एन फोर्टीन था, था, तो तो था, था दोनों आपस में जुड़ गए और क्या बना लिया एन फिफ्टीन और एन फोर्टीन दोनों आपस में जुड़ गए तो दो ऐसे बन गए ठीक है दो ऐसे बन गए क्या है जनरेशन वन है जनरेशन वन है ठीक है इसके बाद में इनको मैंने उसी मीडियम के अंदर

कि एक डीएनए लिया उस पर क्या है? N14, N15 लगा दिया है उस उसको एक मीडियम के अंदर रखूंगा, रखूंगा। जो medium, जो medium मैंने लिया है जो मीडियम ने उसके अंदर पहले से कौन सा है एन फोर्टीन पहले से मैंने डाल रखा है एन फोर्टीन है इसमेंटी है ऊपर से मैंने डाल दिया एन फिफ्टीन ठीक है बीस मिनट बाद देखा तो क्या हुआ एन फिफ्टीन और एन फोर्टीन दोनों आपस में जुड़ गई ठीक है मैंने और उसको डाल रखा एजेंडे पहली बन गई ठीक है अब उसको मैंने वापस उसी मीडियम के अंदर जिसके एन फोर्टीन था उसी के अंदर डाल रखा है और इस बार मैंने 40 मिनट तक वेट किया तो मेरे को क्या मिला मेरे को ये मिला कि एन फोर्टीन डी वो अलग से बन गया एन फोर्टीन और जो एन फिफ्टीन एन फोर्टीन की जो

ये बताया हमें किसने वॉर्सन क्रिकलसन और और स्टोल ने बताया था ये किसने बताया मेसलसन और स्टोल ने ये बताया था फिर बात करेंगे आर एन ए की बात कर लेते हैं आर एन एर ए तीन प्रकार का है कैसा कैसा आर आर एन एम आर एन ए और टी आर एन ए आर आर एन कौन सा है राइबोसोमल सोमल आर एन मैसेजर आर एन और ट्रांसफर आर एन अब इसके अंदर काम की बात क्या है भाई जो राइबो सोमल आर एन वो मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा आर आर तीन प्रकार का आर आर एन एम आर एन ए टी आर एन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है इन तीनों में से वो होता आर आर एन कौन सा आर आर एन ए जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा ये स्टेबल भी होता है ठीक है और जो मैसेजर आर एन एम आर एन ए सबसे कम होता है इन तीनों में से सबसे कम होता है और सबसे कम ही स्टेबल भी होता है राइबोसोमल आरएनए की बात कर लेते हैं आर की बात कर लेते हैं तो प्रो कारियोर्ट के अंदर आपको कैसा होता है एस टाइप का होता है ठीक है एटी एस सिक्सटी एस प्लस फोर्टी एस ये भी आप रख लेना याद यार ठीक है, 50S में ट्वेंटी फाइव एस और फाइव एस होगा थर्टी एस में सिक्सटीन एस होगा टू एस और फाइव पॉइंट एट एस और फोर्टी एस में एटीन एस ये आपको रखना पड़ेगा चलो अब बात करें किसकी आ, 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 बात करते है, जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है

साइनिक रूप से ठीक है केमिकली ठीक है केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और और स्ट्रक्चरली भी संरचनात्मक रूप से भी वो क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए तो आंसर दोनों की तरफ से क्या आया ठीक है दोनों की तरफ से ये आंसर आया डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है डीएनए बोला मैं आरएनए से ज्यादा स्टेबल हूं इसलिए मैं क्या हूं यहां पर जीतता हूं सेकंड क्वेश्चन में

स्टोरेज करने की स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो क्या है बढ़िया है इसलिए क्या है डीएनए को ही क्या है माना जाएगा ठीक है यहां पर ये लिख भी रखा है इट शुड एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर मेंडेल के जो जो कैरेक्टर्स थे उनके रूप में इसको खुद को एक्सप्रेस करना तो वो कौन दिखा सकता है जो RNA जो इंफॉर्मेशन जितने भी, भी आनुवांशिक पदार्थ की जितने भी जितनी भी आनुवांशिक जो इंफॉर्मेशन है जितनी भी इंफॉर्मेश सारी की सारी स्टोर करने की क्षमता किसके अंदर है डीएनए के अंदर है ठीक है आर क्या है आर एन समझो कि बहुत आ, एक्साइटेड रहता है वो तो ही एक्साइटेड रहता है ना मतलब फास्ट फास्ट काम करने की कोशिश करता है लेकिन डीएनए जो है वो बहुत ठंडे किस्म का आदमी है वो क्या सारी चीजें स्टोर करके रखता है इसलिए अपन को स्टोरेज भी तो होनी चाहिए क्या पता अब मेरे पास जो चीज़ है मेरे पास जो चीज़ है मेरे अगली वाली जनरेशन के अंदर जानी तो चाहिए ना अगर आर होगा तो वो तो फटफट -फट काम करने वाला है यहाँ पर जो डीएनए है वो सारी चीज स्टोर करेगा और उसके बाद में वो भेजेगा तो डीएनए जो है वो क्या है बेटर अनुवांशिक पदार्थ है बहुत ज्यादा अच्छा अनुवांशिक पदार्थ है चलो बात सेंट्रल डोगमा की कि क्या है सेंट्रल डोगमा कुछ भी नहीं है भाई डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है ना डीएनए से डीएनए बन रहा है क्या होता है होता है ठीक है क्या है प्रतिकृति हो रही डीएनए से डीएनए बन रहा है प्रतिकृति हो रही है डीएनए से आरएनए बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे और आर से प्रोटीन बनेगी उसको क्या बोल देंगे ट्रांसलेशन बोल देंगे तो ध्यान से सुनो अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो रेप्लीकेशन डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन ठीक है आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन होता है चलो अब बात करें डीएनए रेप्लीकेशन की बात कर लें डीएनए प्रतिकृति की बात कर लें तो उसको ध्यान से समझना कुछ भी नहीं है इसके अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है ये मान लो डीएनए ये क्या है डीएनए है ठीक है यहां पर एक साइट होती है इस डीएनए के अंदर एक जगह होगी जिसको बोलेंगे ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इसको क्या बोलेंगे ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है ये तीन एंजाइम एनजाइम हैज और आर एन ए पोलिमरेज तीन एंजाइम है हेलीकेज और आर एन ए पोलिमरेज अब यहां क्या होगा अब यहां क्या होगा ये जो हेलीकेज है ना ये आएगा इस पर आएगा। और क्या करेगा ये जो ये बोन लगे हुए तोड़ देगा इनको आपस में तोड़ देगा और ऐसा कुछ दे ऐसा पर पर बना देगा दे 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 ऐसा स्ट्रक्चर इस पर खोल देगा और अपन को दिखने लग जाएगा ठीक है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना उसके बाद में क्या आर एन ए क्या होता है प्राइमर लग गया उसकी मदद से जो है फिर आएगा अपना आर एन ए पोलीमरेज आएगा डीएनए पोलिंग में रह आएगा और उस पर क्या है पूरे पर क्या नया डीएनए फेलामेंट जो है वो लगा देगा तो ये क्या है आपकी रेप्लीकेशन है ऐसे ऐसे ये उसका पूरा कर देगा तो पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा ये ऐसे अलग डीएनए बन जाएगा

इसके अंदर दो आपको स्ट्रैंड दिख रहे हैं एक आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड दिख रहा है एक आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिख रहा होगा एक है स्ट्रैंड स्ट्रैंड और एक है कोडिंग आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर आपको एक एक ये दिख रहा है एक है टर्मिनेटर नाम से ही पता लग रहा है कि यह प्रोमोटर प्रोमोट करेगा टर्मिनेटर जो है वो टर्मिनेट करेगा ठीक है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है ना यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक स्ट्रैंड आएगा यहाँ पर एक स्ट्रैंड आएगा किसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा जैसे जैसे इसके अंदर मान लो यहां पर एटी लगी लगा ए लगा हुआ है यहाँ पर जी आएगा टी आएगा तो और यहाँ पर क्या आएगा सी आएगा, आएगा? आएगा ऐसा कि पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा ए टी जी सी ए टी ठीक है ए टी एस ऐसे पूरा स्टैंड बन जाएगा ठीक है

और यहां पर ये यह अटैच हुआ इससे ये कहा अपनी इनिशिएशन शुरुआत हो गई यहां से यहां पर क्या एलोंगेशन यहां पर ये एन आरएनए बन रहा है ना यहां पर आरएनए डीएनए से यहां पर देखो आरएनए बन रहा है ये क्या एलोंगेशन जो आर एन जो है वो बड़ा हो रहा है फिर क्या है टर्मिनेटर पर क्या होगा टर्मिनेटर पर क्या होगा ये क्या है रो फैक्टर बनता है ये रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेटर को जैसे सिग्मा फैक्टर जो है वो पॉली जो प्रमोटर को पहचान लेता है वैसे ही जो रो फैक्टर है वो टर्मिनेटर को पहचान लेगा और यहां पर जो अपना आर जो है वो अपना अलग हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा डीएनए से डीएनए अलग आर अलग, अलग अपन को आर ही तो चाहिए था फिर बात करें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोड्स प्रोकारियोड्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं बैक्टेरिया में एम के लिए कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी बैक्टीरिया के अंदर एमआरएनए बनाना है आपको तो कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी एक्टिव होने के लिए ठीक है एक्टिव होने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं करनी है आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलिप्शन दोनों एक साथ ही होती हैं प्रोकार उसके अंदर जो तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है मतलब डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है और

नहीं। क्या एच एन आर एन नहीं ठीक है क्या करूं मैं अगर इसे इंट्रोन्स को हटा दूं, ये जो इंट्रोन्स बने हुए हैं इनको अगर मैं हटा दूर हटाने की जो, जो प्रक्रिया अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा तो ये होगा भाई, आ नहीं देखो ये अब इसमें क्या कर दू कैपिंग और टेलिंग कर दूं कैपिंग का मतलब क्या है कि इसमें मैं क्या जोड़ जो फाइव डेज एंड है यहां पर मैं क्या जोड़ दूं एम जी पी पी मतलब मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइल ग्वानिसिन स्ट्राइक फोर्स किस पर जोड़ दू मैं ये पांच वाली पोजिशन में इसको बोलेंगे कैपिंग ठीक है और टेलिंग का मतलब क्या है जो टेल पर जोड़ेंगे जो थ्री डेज इस टेल पर जोड़ेंगे इसको बोलेंगे पोली ए टेल आ, पोली एट थ्री ठीक है तीसरे एंड पर ये, ये जोड़ दिया ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं बात करते हैं ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन कैसे बनती है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो ये नीचे आपको रेड कलर में जो दिख रहा है वो क्या है आपका एम आर एन ए क्या जी एम आर एन ए यहां पर ये नीचे दिख रहे हैं एम आर एन ए क्या कोडोन है इनके जस्ट उल्टे होंगे वो कौन होंगे एंटी कोडोन होंगे इनके उल्टे कौन एक किसके साथ में है यू के साथ में ठीक है टी होगी डी एन होगा तो टी के साथ में अब यहां पर आर एन ए तो यू के साथ में जुड़ेगा ए किसके साथ में जुड़ेगा यू e e e e के साथ में सी किसके साथ में जी किसके साथ में जुड़ेगा सी के साथ में यू किसके साथ में ए के साथ में जुड़ता है ठीक बात है तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं अब एक देखो एक टी आर एन ए के पास एक क्या है क्या है आपकी अमाइनो एसिड भी आपको दिख रही है बिल्कुल दिख रही है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं टी आर एन ए के पास एक एंटीकोडोन होगा बिल्कुल एंटीकोडोन है जी है ठीक है टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड भी होगी बिल्कुल जी है अमाइनो एसिड भी है ठीक है क्या है? ए अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा बिल्कुल स्पेसिफिक है इसके पास टाइरोसिन है इसके पास सीरोसिन ठीक है सॉरी ठीक है एंड होगा ठीक है बिल्कुल है ठीक है एंड है बिल्कुल है जी ठीक है इनिशिएशन के लिए अलग टीआरएन होगा जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलेंगे इनिशिएशन शुरुआत करने के लिए अलग टीआरएनए होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए बोलेंगे ठीक है

ठीक है ये नीचे क्या है आपका एम आर एन ए बिल्कुल दिख रहा है एम आर एन ए बिल्कुल जी एम आर एन ए हमको दिख रहा है एम आर एन ए पर क्या लगे हुए हैं कोडों लगे हुए हैं ठीक है लगे हुए हैं बिल्कुल लगे हुए हैं ठीक है लगे हुए हैं ठीक है अब यहां पर देखो ये टी आर एन ए टीआरएन ए इस टी आर एन ए से ये ऊपर देखो ऊपर देखो कितनी एसिड जुड़ी कितने बहुत सारी एसिड इससे जुड़ी हुई है अब क्या होगा इसको बहुत ध्यान से देखना इसको बहुत ध्यान से देखना अब क्या होगा ये जो टी आर एन ए है ना ये जो टी आर एन ए इस पर ये लगी हुई है अमाइनो एसिड लगी हुई है यहां से क्या होगा ये वाली जो एलानिन है ना ये लग जाएगी और किससे जुड़ जाएगी इस वेलिन से जुड़ जाएगी किससे जुड़ जाएगी वेलिन से जुड़ जाएगी ये एलानिन जो है वेलिन से जुड़ जाएगी मतलब ये सारी की पूरी की पूरी चेन जो है वो उठकर यहां आ जाएगी ठीक है फिर ये वाला टीआरएन ए फ्री हो जाएगा तो ये टी आर एन ए जो है यहां से बाहर निकल जाएगा जैसे ये पहले निकला हुआ है वैसे ये बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो टीआरएनए ये यहां पर आकर जुड़ जाएगा फिर क्या होगा इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो सारी की सारी इस वाले पर आ जाएंगी ठीक है और इसको बाहर निकाल देंगी इमेजिन हो रहा है इमेजिन हो रहा है ठीक है ऐसे पूरी चलती रहेगी अब आप बोलोगे भैया प्रोटीन तो बनाई नहीं तो मैंने कहा भाई प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन क्या होता है बहुत सारी एसिड मिलकर ही तो प्रोटीन बनाती है यहां पर देखो एसिड की कितनी चेन बंद रखी है यही तो प्रोटीन है आपकी

क्या तीन के रूप में होंगे मतलब तीन होंगे टोटल कोडोन कितने तीन कौन से होते हैं तीन उनमें चौसठ कितने और उनमें से स्टॉप कोडोन कितने स्टॉप कोडोन होते हैं अब मैंने आपको बता कि टोटल वाई सिक्सटी फोर तीन स्टॉप हो गए तो काम करने वाले कितने हो गए रह गए ठीक है तो स्कोडिंग वाले कोडोन कितने इकसठ हो गए ठीक है कोडोन को ए में कंटिन्यू पढ़ा पढ़ा कंटिन्यू पढ़ाएगा एम आर एन उसको कंटिन्यू पढ़ा जाएगा ऐसे कोई कोमा वोमा ऐसा कुछ भी नहीं है देखो जैसे दिखा दू कर दिखा दू ये है सी यू यू सी सी यूसी जी 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 यू सी ए जी ऐसे ऐसे सीधा फैसला पढ़ा जाएगा बीच बीचों कोमा वोमा ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा ठीक है ना पूरा का पूरा, पूरा साथ में इसको पढ़ा जाएगा ठीक है कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं ठीक है जो कोड है वो कैसा था नियर नियरली यूनिवर्स होता यूनिवर्सल होता है मतलब किसी एक चीज के लिए एक कोड होता है ठीक है ऐसा यूनिवर्सल होता है आप जानते हो कंप्यूटर का जमाना आप सब जानते हो कि भाई कोडिंग करते हैं जो कोई भी ऐप बनाना है तो उसके लिए कोडिंग करते हैं ना तो वैसे ही हर एक कोई भी ऐप है उसके अंदर कोई कोई भी चीज बनानी है अपने ऐप है उसके अंदर कोई भी चीज बनानी है मान लो उसके अंदर किसी को अपने को डांस करता हुआ दिखाना किसी कार्टून को अपने को डांस करता हुआ दिखाना है तो उसके लिए अलग कोडिंग करी जाती है उसके लिए ठीक है वैसे ही अपने अंदर प्रोटीन बनानी है उसके लिए अलग कोडिंग करी जाती है ठीक है तो कोड जो वो लगभग यूनिवर्सल होता है किसको छोड़कर माइटोकोंड्रिया और कुछ प्रोटोजोन को छोड़कर बाकी है कोर्ड यूनिवर्सल हो ठीक है।, है कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनको एक से ज्यादा कोड की जरूरत पड़ती है अब हर एक चीज का एक कोड होता है हर एक चीज बनाने के लिए एक कोड होता है लेकिन कुछ अमाइनो एसिड होती हैं, जिनको बनाने के लिए एक कोड के बस की बात नहीं उसके लिए दो तीन कोड अपन को लगाने पड़ते हैं एयूजी जो कोड है ना एयूजी जो कोड है इसके दो फंक्शन है भाई एयूजी जो कोड है इसके दो फंक्शन है एक काम है इसका एज इनहिबिटर काम करेगा इनहिबिटर के रूप में काम करेगा और दूसरा काम का इसका फॉर मिथ्योन के लिए कोड के रूप का रूप में काम करता है फिर आगे बात करते हैं किसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी किसने डेवलप की एलेक जेफरी ने डेवलप की ठीक है एलेक जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए का यूज किया किसका यूज किया सैटेलाइट uh, डीएनए का यूज किया और ये हाई हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है सैटेलाइट जो डीएनएताओं के साथ करता है हाई पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है अभी हाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं मत बता देता हूं आपको हाई पोलिमोरफिजम क्या होता है एक एक डीएनए सीक्वेंस के दो या दो से अधिक वेरिएंट्स हो किसी भी एक डीएनए सीक्वेंस के किसी भी एक डीएनए सीक्वेंस के दो या दो से अधिक क्या हो वेरिएंट हो उसको बोलते हैं डीएनए पोलिमोरफिज कहा जाता है अब बात कर लेन डीएनए की थोड़ी तो डीएनए के अंदर दो चीजें होती है एक होता है बल्क डीएनए एक होता है बल्क डीएनए और एक होता है सेटेलाइट डीएनए ठीक है जो बल्क डीएनए होता है ना वो सबके अंदर सेम होता है आपके अंदर मेरे अंदर सबके अंदर बल्क डीएनए जो है वो सेम होता है और ये कितना होता है 99.9% जो डीएनए है वो सभी इंसान का सेम है डिफरेंस कहां है सैटेलाइट डीएनए के अंदर सैटेलाइट डीएनए कितना होता है 0.1% मतलब आप और मेरे में कितना डिफरेंस है 0.1% डीएनए का फर्क है ठीक है ये कोडिंग डीएनए होता है ये नॉन कोडिंग डीएनए ठीक है इसमें एक होता है मि मिनी या फिर वीएनटीआर एक होता है माइक्रो या फिर एसटीआर मिनी वीएनटीआर का मतलब क्या है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट इतना याद रख लेना बस इसको ज्यादा याद नहीं रखना आपको एसटीआर का मतलब है शॉर्ट रिपीट इतना याद रख लेना

तो उसके लिए क्या करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है भाई जिससे ज्यादा उसके डीएनए मिलेगा जिस बच्चे का जिस भी मदर से ज्यादा डीएनए मिलेगा बच्चा उसका ही होगा ठीक है ऐसे ही कोई क्राइम हो गया कोई क्राइम हो गया और वापस कुछ भी नहीं मिल रहा सिर्फ एक बाल मिला है ठीक एक बाल मिला है जो जिसका क्राइम हुआ जिस क्राइम में मतलब कोई लड़की है ठीक है जो मरी गई है लड़की का बाल नहीं वो बड़ा बाल है मतलब छोटा बाल है जो लड़के का हो सकता है तो वो बाल इकट्ठा किया बाल वहां से लिया ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे उस बाल का डीएनए निकालेंगे बाल का डीएनए निकालेंगे उसकी फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और फिर जो भी जिन पर भी इनको शक होगा जिन भी जिन भी आरोपियों पर शक होगा उन सब के डीएनए से उनको मिला के देखा जाएगा जिसके साथ वो बढ़िया मैच फिट बैठ जाएगा खुनी वही है ठीक है चलो ए वगैरह में दिखाते हैं ना रो प्रो, 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 प्रोजेक्ट की बात करते हैं लॉन्च कब हुआ जी 1990 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था ठीक है 13 ईयर ये प्रोजेक्ट है कितना थर्टीन ईयर तेरह साल तक चला ये प्रोजेक्ट ठीक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसमें इन्वॉल्व रही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वेलकम जो ट्रस्ट है जो यूके का वो, तो वो भी इसमें जापान चाइना जर्मनी फ्रांस और अदर जो दूसरे वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए ह्यूमन ह्यूमन जीनोम ठीक है जीनोम को स्टडी करना है इसके अंदर ह्यूमन जीनोम एप्रोक्स थ्री टेन टू पाउंड नाइन बेस्ट हो, हो गए ठीक है एक एक बेस्पेयर को स्टडी करने के लिए कितने पैसे जा रहे हैं यूएस डॉलर थी तीन यूएस डॉलर लगता है एक बेस्पेयर स्टडी करने के लिए इसमें दे रखें दो दे ये आपको ध्यान में होना चाहिए मैथ्रेस टैग्स और सिक्वेंस एनोटेशन ये दोनों आप याद रखना यार है ना होस्ट अगर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया अगर परजीवी कौन है आपका बैक्टीरिया तो अपन संवाद जो वैक्टर जो है वो कौन सा यूज करेंगे बी ठीक है और अगर होस्ट अगर जो परजीवी जो है जो परपोषी जो है परपोषी तो होस्ट है अगर वो यीस्ट है तो क्या ये यूज करेंगे वाई एसी यूज करेंगे ठीक है वेक्टर अपन वाई एसी यूज करेंगे चलो अब बात करते हैं ये लास्ट कुछ लाइनें हैं ये ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड है ये आपको याद होनी चाहिए ह्यूमन जीनोम जो है, कितने थ्री वन सिक्स फोर पॉइंट सेवन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं ठीक है ठीके? मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है एवरेज जीन थ्री थाउजेंड बेस ठीक है लार्जेस्ट ह्यूमन जीन ये अब ध्यान से जोड़ लेना क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है तो वह डिस्ट्रोफिन कौन सा है डिस्ट्रोफिन जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है

सही बन गया इस बार चलो आ, दो परसेंट से कम जीनोम ऐसे हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए ठीक है प्रोटीन बनाने वाले जीन कितने है? दो परसेंट से भी कम आ, जीन है जो प्रोटीन बनाते हैं क्रोमोसोम वन है जो मोस्ट जीन क्रोमोसोम वन जो है उसके पास में सबसे ज्यादा जीन है कितने हैं जी टू नाइन सिक्स एट और क्रोमोसोम वाई जो है उसके पास में सबसे कम जीन है कितने है? टू थ्री वन

तो ये ये देखो भाई ये अपना क्या लेक ओपेर है इसके अंदर ये देखो यहाँ परिप्रेशर एम आर एन आकर जुड़ गया इस ऑपरेटर ये इस ऑपरेटर के पास में आके जुड़ गया तो आगे का काम बंद हो जाएगा आगे का काम होगा ही नहीं जो अपन चीज अपन को बनानी थी वो चीज बनेगी नहीं ठीक है तो क्या होगा तो क्या करेंगे अपन ये ने लिया वापस लिया और यहां पर ये क्या है रिप्रेशर है तो अपने क्या लिया इंड्यूसर इंड्यूसर आएगा पीछे से पीछे से आया 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 और ऐसे पकड़ लिया पीछे से, इन.. आया, आया, से, से ठीक है इनएक्टिव कर दिया तो यहां पर एमआरएन ए बन गया एमआरए बन गया राजी खुशी यहां पर बन गया एमआरएन ए बन गया और एम आर एन ए क्या बनाए बेटा गलेक्ट्रोसाइडेज बना दिया परमीएज बना दिया ट्रांस एसिटाइलेज बना दिया तो काम संपन्न हो गया वरना ये जो यहां पर जो था

चलो कुछ सब्सक्राइब किए हुए बिना देख रहे हो देखो सेंटेंस नहीं आ रहा सब्सक्राइब को चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तब तक, तक के लिए पढ़ते रहो